आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपना मैथ्स का एक नया लेक्चर लेके। हम लोग इस अभी तक जो बात कर रहे हैं, हम लोग द्विघाती समीकरण की बात कर रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर को अगर हम थोड़ा सा याद करें, तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देख ही होंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या बात किया था, हम लोग किसी भी द्विघाती समीकरण में कौन कौन से हल होते हैं उसको निकालना सीखे थे, या हल है अगर वो उसका तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम लोग कर रहे थे। बट यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में उसके कौन कौन से हल हो सकते हैं वो निकालना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग को संख्या दे दी जा रही थी, हम लोग उसको निकालना सीख रहे थे, बट इस लेक्चर में आज हम लोग हल करके देखेंगे। तो अब देखिए, हल करने के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तीन विधियां दी गई है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ठीक है, तो ये तीन आपको तीन में तीनों, मतलब एक एक लेक्चर कंटिन्यूस, एक लेक्चर इस पे, एक लेक्चर इस पे, एक लेक्चर इस पे, तीनों पे आएगा और तीन के तीनों इसलिए क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है आज है वो गुणनखंड विधि। तो आज हम गुणनखंड विधि की बात करेंगे। तो गुणनखंड विधि करने के पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिना एग्जाम्पल पे तो काम चलता ही नहीं है, तो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर करते हैं इसको। चलिए इसको प्लस रख लेते थोड़ी देर के लिए। देखिए, हमने यहां पे एक समीकरण लिख दिया है। अब सबसे पहले आप लोग जांच करिए कि ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं है। जाहिर सी बात है, जो चर है उसका अधिकतम मान जो है दो है, तो ये द्विघाती समीकरण है। ठीक है, अब हमारा देखिए, हमें यहां पर कई स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा, इसको लिखना नहीं है, इसको बस आप लोग अपने लिए ध्यान रखिएगा। पहले स्टेप में बेटर क्या होगा, पहले स्टेप में हम लोग जो समीकरण होगा, समीकरण होगा उसे मानक रूप में, मानक रूप में बदलेंगे। किस रूप में, मानक रूप में। अब अगर आप कहें, आपसे मैं पूछूं कि किसी भी द्विघाती समीकरण का मानक रूप क्या है, तो इसका मानक रूप ही होता है ये। ठीक है, जहां पर a कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये तो मानक रूप में है, चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन पे पलट देते हैं। 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, क्या हो गया होता है, ये हो ये गया कि पद तो उतने ही हैं लेकिन पद आगे पीछे हो गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मानक रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए, ये यहां पे क्या था, ये मानक रूप में नहीं था, तो हमने सबसे पहले इसको किस रूप में बदला, मानक रूप में, मतलब सबसे पहले ax स्क्वायर के रूप में, फिर bx प्लस c के रूप में। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हर बार यही स्टेप रहेगा, मानक रूप में नहीं रहेगा तो मानक रूप में उसको पहले बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या, अब मानक रूप में जो भी चीजें कहीं साइड में रख पे, a का मान यहां पर क्या है, अब देखिए a का मान तभी पता लगेगा जब इसको और इसको हम आपस में तुलना करेंगे या कंपेयर करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, बट इसमें क्या नहीं है ऐसा जो इसमें है, तो इसमें 1 नहीं है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 1। b का मान कितना आ जाएगा, इस तरह से b का मान आ जाएगा 5 और c का मान कितना आ जाएगा, 6 आ गया। जो भी मान रहेगा ध्यान रखिए, अगर माइनस प्लस होगा तो माइनस प्लस भी ले लीजिएगा, माइनस प्लस का भी उपयोग होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा a और c का गुणा करना होगा, किसका गुणा, a और c का हम गुणा कर लेंगे, तो a और c कितना है, a और c जो है a गुणे c जो होगा 1 × 6, तो 6 हो जाएगा। ये रफ का काम है, ये फेयर का काम नहीं है, हम रफ में इसको करेंगे, साइड में इसको फेयर में करने की कोई जरूरत नहीं, केवल आपके समझने के लिए है। ठीक है, हमारा यहां पे क्या आ गया, 6 आ गया। अब जो भी a और
सी आया है उसको हमको करना है बी के बराबर, किसके बराबर करना है, बी के बराबर। चाहे उसको कोई भी संख्या मान लेते एक्स वाई, एक्स वाई प्लस करके करिए, चाहे एक्स वाई माइनस करके करिए। ऐसा क्यों, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो भी हम समीकरण कर रहे हैं उसके दो मूल हैं पी और क्यू, तो जो बी होगा, जो बी होगा वो किसके बराबर होगा, पी प्लस क्यू के बराबर होगा, और ए इंटू सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी इंटू क्यू के बराबर होगा। ये चीज अभी प्रॉपरली फोकस मत करिए, इसको फिर से बताया जाएगा, अभी बस इतना समझिए कि दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है कि जो भी ए और सी का गुणा आया है उसको हमको इस तरह से तोड़ के लिखना है कि वो बी के बराबर आ जाए, किसके बराबर, बी के बराबर। तो यहां पे छह है, लास्ट इसको तोड़ लेते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, तो क्या आया, दो और तीन, दो संख्याएं आ गई। अब आप खुद बताइए कि दो और तीन की सहायता से हम किस तरह से पांच बना सकते हैं, ये चीज तो फर्स्ट या सेकंड का बच्चा बता सकता है कि दो और तीन को जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा, पांच आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पे, हम इसको अब इसको किस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री। अब देखिए पांच को हमने क्या कर दिया, पांच की जगह पे हमने एक ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट में टू प्लस थ्री लिख दिया, टू प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। बोलिए आई बात समझ में, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी हम बताएंगे, थोड़ा सुन जाइए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में पहले नहीं बात करेंगे, पहले ये हमने क्या किया इसको हम सोच लेते हैं कि यहां पे ये सिक्स आया था, सिक्स को हमने गुणनखंड किया, तोड़ के रूप बदल के हमने इस रूप में लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे कि हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे, देखिए ब्रैकेट जब भी ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के आगे जो चिन्ह है वो भी आ जाएगा और जो ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट के अंदर जो है वो आएगा और जो ब्रैकेट के बाद है वो भी आ जाएगा। फिर से यहां पे करेंगे प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। देखिए ऐसा हम लोग मेनली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको तोड़ना है और तोड़ने के लिए हमें कुछ विधियां फॉलो करनी पड़ेगी, सीधे सीधे अगर हम चाहे तोड़ दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम विधियां फॉलो कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, ए और सी का गुणा किया, ए और सी को किसके बराबर लाए हम लोग, ए और सी को हम लोग बी के बराबर लाए, प्लस करके माइनस करके, अभी जैसे यहां पे हमने प्लस किया है तो प्लस से आ गया, बट हो सकता है अगले विधि में हम लोग माइनस भी करें, तो अगले क्वेश्चन पे वो देखा जाएगा। हमने यहां पे टू और टू प्लस थ्री लिखा जो कि इसके बराबर आ रहा, मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है इसमें क्या दिक्कत है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर यहां पे ध्यान दीजिए, दो दो का पेयरिंग कर दीजिए या दो दो का जोड़ा बना दीजिए, जो चीज इसमें कॉमन है निकाल लेते हैं और जो चीज इसमें कॉमन है उसको भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्स दोनों में तो एक्स कॉमन ले लिए, एक्स प्लस टू, बोलिए आई बात समझ में, थ्री और थ्री इसमें भी कॉमन है तो थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, बोलो आई बात समझ में। ध्यान दीजिए ये जब यहां पे हम पहुंचेंगे, अगर आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं तो दो की दोनों जो ब्रैकेट्स आएंगे उनका मान एक ही आएगा, अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसका हो सकता है मान कुछ और आए और इसका मान कुछ और आए, तो ध्यान दीजिएगा कि दो के दोनों ब्रैकेट का मान सेम आ रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। आगे चले, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू दोनों में है, ये भी कॉमन ले लें तो एक्स प्लस टू बाहर आ गया और क्या बचा, एक्स प्लस टू जब हट गया तो यहां बचा एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, ठीक है। और देखिए जो यहां पे एक रूप मतलब मिलके बना था वो यहां पे टूट के आ गया, अब हम चाहे तो दो के दोनों मूल भी पता लगा सकते हैं कि इसके कौन कौन से मूल है, तो हम करेंगे क्या, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, ये इधर गया माइनस टू, ये इधर गया माइनस थ्री, तो इस द्विघाती समीकरण के कितने मूल आ गए, दो आ गए, एक मूल है माइनस टू और एक मूल है माइनस थ्री, बोलिए आई बात समझ में। इस विधि को इसीलिए गुणनखंड विधि कहते हैं क्योंकि हम लोग यहां पर गुणनखंड विधि का यूज करके तोड़ने की शुरुआत करते हैं।
अगर हम ये चीज ना किए होते, ये चीज, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये स्टेप हम फॉलो नहीं करे होते तो ये यहां तक सॉल्व नहीं हो पाता। इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया ना, चलिए बेसिक्स। बेसिक मतलब जैसे मानक रूप में नहीं है तो उसको मानक रूप में चेंज करिए, फिर a इंटू सी का गुणा करिए, फिर a इंटू सी का जो भी गुणा आएगा उसको हम लोग b के रूप में लिखना चाहेंगे, मतलब चाहे प्लस रूप में लिखे चाहे माइनस रूप में लिखे, वो मतलब हर कंडीशन किस तरह है, b की तरह है। और क्वेश्चन को आगे फिर पेयरिंग करिए, पेयरिंग के बाद उसमें जो चीज कॉमन है, जो चीज सामान्य है दोनों में आ रही है उसको निकाल लीजिए, उसके बाद फिर से एक बार कॉमन लीजिए और अंत में इक्वेट कर दीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन तो हो गया, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लगा चुके, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है किसी टॉपिक से रिलेटेड। अब देखिए ध्यान दीजिए कि फिर से सबसे पहले हम चेक करेंगे ये मानक रूप में है कि नहीं है। तो बेटा देख लीजिए, सबसे पहले द्विघात वाला, फिर एक घात वाला, फिर बिना घात वाला है, मतलब ये मानक रूप में अपने है, ये इसी रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ए का मान क्या है बताइए, रफ में बताइए, ए का मान 4 है, ठीक है, बी का मान 1 कि -1। ध्यान दीजिए जो हमने आपको पहले बोला है फिर से बोल रहा हूं कि जो माइनस का चिन्ह है उसको हम जरूर लेंगे, तो यहां पे माइनस है आगे तो ये क्या हो जाएगा -1, और सी का मान कितना है, सी का मान है -5। देखिए माइनस और प्लस जो भी रहेगा आप लेंगे उसको प्रॉपरली, बट जब गुणा करेंगे ए और सी का तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ए और सी को गुणा करें कितना आ गया 4 × 5 = 20, तो 20 लिखे, उसमें -20 लिखने का कोई मतलब नहीं है। माइनस का यूज तब आएगा जब हम उसको इस रूप में, इस ब्रैकेट के रूप में तोड़ने लगेंगे तब, ठीक है। तो यहां 20 आ गया, इसका गुणनखंड करते हैं, मतलब ये कुछ इस रूप में आ गया। अब बेटा हमको जो भी मिला है यहां पे 2, 2, 5 जो भी मिलेगा यहां पे इस गुणनखंड में, हमको उसी का उपयोग करके इस रूप में बदलना है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, चलिए एक हम करते हैं, 3 संख्याएं हैं तो कम से कम 2 संख्याओं को गुणा करना, क्योंकि हम तो 2 ही संख्या को प्लस या माइनस कर सकते हैं ना, 3 संख्या तो रख ही नहीं सकते हैं। तो हम करते क्या, हम कोशिश करते हैं पहले 5 और 2 का गुणा कर देते हैं, 5 और 2 का गुणा कर दिया तो 10 आया और 2 आया, ठीक है। देखिए हमको पता है कि सही तरीके से हम ऊपर से 2-2 गुणा करके बता सकते हैं, बट थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम क्यों जान बुझ के गलत कर रहे हैं। देखिए अगर यहां पे 10 और 2 आएगा तो हमको या तो प्लस करना है या माइनस करना है, 10 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12, लेकिन क्या बी हमारा 12 है, हमारा बी तो 12 नहीं है, 12 भी -1 है, मतलब ये चीज नहीं हो सकता। एक बार माइनस करके देखते हैं, 10 और 2 घटा दें कितना आएगा 8 यहां पे दूर दूर तक हमको नहीं दिख रहा, मतलब ये चीज तो हम कर ही नहीं सकते, फिर क्या करें भाई, इस 5 का इससे भी गुणा करेंगे, मान लीजिए इस 5 का इससे गुणा करेंगे बात तो नहीं है, चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए बात तो नहीं है, तो अब क्या करें, इसका इससे गुणा करके देखिए 2 × 2 = 4। अरे इंग्लिश में भी थोड़ा पहाड़ा पढ़ लेना चाहिए, हम थोड़ा यही तो हम सीखे बचपन से 2 × 2 = 4। चलिए 4 और यहां पे क्या बचा 5, 4 और 5, चलिए करते हैं जोड़ते हैं, 4 और 5 को जोड़े कितना आया 9, क्या 9 है यहां पे ना, नहीं हो सकता, 4 और 5 को घटा दें कितना आएगा 1, सही बात है हमको 1 चाहिए, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा यहां क्या है -1, तो 1 आ रहा है मतलब इसमें कुछ तो है, सीआईडी देखते ना दया कुछ तो है, हाँ तो दया है भाई यहां पे कुछ, लेकिन क्या है ये यहां पे कि हमको -1 लाना है, तो आप भी जानते हैं बड़े संख्या से अगर छोटे संख्या को घटा देंगे तो प्लस में आएगा, और छोटे से बड़े को घटाए तो माइनस आएगा, तो ये छोटा है ये बड़ा है इसको इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -1। बोलवाई बस समझ में, अब आ जाते हैं वापस, वो तो सब
बैकडोर काम कर रहे थे, चोरी छुपे कर रहे थे, अब सामने करना है, जिसके लिए हमको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो नंबर वाला काम करते हैं, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। संख्या होती तो अगर यहां पे संख्या होती तो संख्या नहीं उतारते, लेकिन यहां पे संख्या तो नहीं है, तो संख्या की जगह क्या लिख देंगे हम, संख्या की जगह यहां पे ब्रैकेट बना देंगे। क्या बना दिया हमने, ब्रैकेट बना दिया। यह एक काम करते हैं हम, यहां पे थोड़ी देर के लिए माइनस वन मान लें, मान सकते हैं, मान सकते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं, माइनस वन नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ हम लिख देंगे। माइनस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन की जगह हम लिख सकते हैं फोर माइनस फाइव, बोलिए लिख सकते हैं, वही चीज हम कर रहे हैं, कुछ बदल नहीं रहा बेटा। हमने क्या किया, यहां पे माइनस था, माइनस को हटाया, माइनस वन को मतलब वन नहीं था, माइनस वन उसको माने, उसको फिर लाके इस तरह लगे, वही चीज कर रहा है, कोई अंतर नहीं है। अब ब्रैकेट खोला है, यहां पे सबसे बड़ा काम होता है ब्रैकेट खोलना, क्योंकि ब्रैकेट खोलने में मैक्सिमम टाइम मैं भी गलती किया करता था और मेरे नंबर टीचर काट लेते थे, वो कहते थे मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़ाई करोगे नहीं, मैं नंबर काटता रहूंगा। तो करेंगे क्या, यहां पर ब्रैकेट हमने खोला, ब्रैकेट जैसे ही हमने खोला तो ब्रैकेट के आगे जो साइन था वो इसके पास आ गया, और ब्रैकेट के बाद जो था वो भी इसके पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव, देखिए यहां पे इसके पास माइनस फाइव था तो प्लस माइनस में आ जाएगा, तो वो तो माइनस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होना नहीं है, बट देखिए फाइव के बाद जो एक्स वो यहां पर आ जाएगा और माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, बोलो आई बात सुनो। फिर से वही रिश्तेदारी वाला काम, रिश्तेदारी आप निभाते हैं, अरे निभाइए भैया, शादी में फिर आपके कौन आएगा, हमारे घर वाले कहते हैं तुम नहीं दूसरे की शादी में जाओगे तो तुम्हारी शादी में कौन आएगा, तो इसीलिए रिश्तेदारी निभाना बहुत जरूरी है। फिर से हमने क्या किया, रिश्तेदारी बनाना शुरू किया, पेयरिंग कर दिया, बना दिया रिश्तेदारी निभा ली भाई। रिश्तेदारी के बाद जो जो कॉमन चीजें होती, जैसे आप किसी से रिश्तेदारी निभाने जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, किसी खास के पास जाते हैं तो बताते हैं ना तुम्हारे पास ये है मेरे पास ये है, तो वही चीज यहाँ पर भी, इन दोनों के पास क्या क्या है, इनके पास कॉमन है फोर और एक्स, फोर एक्स, ठीक है, फोर एक्स इसके पास भी, फोर एक्स इसके पास भी, तो यहां क्या बचा एक्स, फोर एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा वन, तो एक्स प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी रिश्तेदारी निभाते हैं, इसमें भी जो कॉमन है जो सामान्य है उसको निकाल लिया, तो यहां क्या आ गया फाइव एक्स प्लस वन बराबर जीरो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि एक्स प्लस वन भी निकाल लेंगे, निकल गया एक्स प्लस वन, और यहां पे क्या निकल गया फोर एक्स माइनस फाइव। हमने क्या किया, एक्स प्लस वन ले लिया, एक्स प्लस वन सीधे यहां गया, और ये दोनों जो अलग अलग थे वो दोनों मिलकर एक बन गए फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है। रब जी को थोड़ा गाइड करेंगे। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमें हर बार गुणनखंड जब भी करेंगे हमको इस द्विघाती समीकरण का हल बताना है, तो हल लगभग हो गया है, ये रूप जो है हल है, लेकिन इसको और प्रॉपर कैसे लिखेंगे नंबर के रूप में, तो वो है x प्लस वन बराबर जीरो, फोर एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो, ठीक है। प्लस वन है इधर आया, माइनस वन हो गया, हो जाएगा प्लस था इक्वल टू के, इधर जब भी आएगा माइनस वन हो जाएगा, इधर देखते हैं फोर एक्स माइनस फाइव था, इधर करें प्लस फाइव हो गया, एक्स के साथ फोर था उधर भेजे तो फाइव बाई फोर। तो मतलब ये जो द्विघाती समीकरण है इसके दो हल कौन कौन से होंगे, माइनस वन फाइव बाई फोर, ठीक है। और ध्यान दीजिए इसका हल ये है, तो इसका मान अगर हम x की जगह पे रखेंगे, जैसे x की जगह माइनस वन रखें या x की जगह फाइव बाई फोर रखें, तो हमेशा प्रॉपर जब इक्वेट करेंगे तो वो जीरो आएगा। ध्यान दीजिए कोई भी द्विघाती समीकरण का जो हल होगा उसी मान पे वो जीरो आएगा, किसी अदर मान पे वो जीरो नहीं आ सकता है। जो पिछला लेक्चर पर हम लोग यही कर रहे थे, हम लोग कर क्या रहे थे,
कि जो मान दिया गया था उसको जांच कर रहे थे, वो उसका हल होगा कि नहीं होगा। अगर हल होता तो मान कितना आ जाता था, शून्य आ जाता था, जीरो आ जाता था, और अगर हल नहीं होता तो मान शून्य नहीं आता था। चलिए एक छोटा सवाल करते हैं, इतना आप लोग छाप लीजिए जल्दी से, प्रिंटिंग कर लीजिए, प्रिंटिंग ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इस समीकरण को लेते हैं, हम क्वेश्चन को पलट देते हैं, जो पिछले लेक्चर में करे थे वही क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे कि x माइनस वन के मान के लिए इस द्विघाती समीकरण पे जांच कीजिए कि यह इसका हल होगा कि नहीं होगा, सॉरी माइनस वन, ठीक है माइनस वन के लिए लिख दिया। तो जैसे ही माइनस वन के लिए गया, ठीक है एक्स की जगह क्या मान रखेंगे, यही करते थे ना कि जो जहां भी एक्स रहता था, जिसको भी जांच करना जाता था उसकी जगह उसका मान रख देते। तो एक्स की जगह हमने रख दिया माइनस वन, माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन माइनस फाइव बराबर जीरो। देखिए इसका स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव बराबर। तो देखिए वही हुआ ना कि अगर वो उसका मान है तो जीरो आ जाएगा, अगर मान नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यही किया था, बहुत बड़ा काम नहीं था। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट आ जाएगा, घर पे बैठ के आराम से लगाइएगा और उनको उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ लेते हैं, इजीली टफ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, क्वेश्चन देखने में इजी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है भैया? क्योंकि यहां पे वर्गमूल आ गया, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने। लेकिन क्वेश्चन मत डरिए, तरीका वही अपनाएंगे, जो हम लोग का प्रोसीजर है, जो हमारा स्टेप है, हम वही को फॉलो करेंगे। क्या करते थे, मानक रूप में देखते थे, ये मानक रूप में तो ऑलरेडी है। एबीसी का मान निकाल लें, तो एबीसी का मान कहीं दूर निकालते हैं, चलते हैं सिविल लाइन साइड निकालते हैं। जब हम लोग को कोई काम करना रहता है तो हम लोग कहां जाते हैं, छुपते छुपाते सिविल लाइन चलते हैं। चलिए सिविल लाइन चलते हैं, ये पी आर पहुंच गया हम लोग। ए का मान कितना आया, फोर रूट फाइव। बी का मान कितना आया, सेवन। सी का मान कितना आया, माइनस थ्री रूट फाइव, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करना है, ए और सी का गुणा करते हैं। ए और सी का जब गुणा करेंगे तो फोर थ्री था 12, रूट फाइव, रूट फाइव मिलकर क्या बन गया, 5 बन गया। तो 12 पचे, भैया हम हिंदी जानते हैं, हिंदी भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, 12 पचे 60, सही बात है। तो 60 को अब हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड करते हैं। 2 से काटे 30 आया, फिर 2 से काटे 15 आया, फिर 3 से काटे 5 आया, 5। मतलब इन चार संख्याओं का उपयोग करके हमको दो नंबर निकालना है, दो संख्या दो दो नंबर बनाना है, और उन दो नंबर को प्लस करके या माइनस करके हमको 7 लाना है। बोलो पाता है समझ में? तो हमको कुछ भी करके लाना है तो अलग अलग विधियां करेंगे हम, बट सही से जो होगा हम सीधे सही स्टेप पे चले, किस पे चले, अलग अलग विधि करें। 5 3 5 3 15 15 2 15 2 2 4। तो देखिए हम क्या करते हैं, 5 15 और 14 को घटाएंगे तो 11 आएगा, जोड़ेंगे तो 19 आएगा, मतलब ये तो होने से रहा। अगला स्टेप क्या करते हैं, 3 का 2 से 5 का 2 से, तो 3 का जब 2 से करेंगे तो 6, 5 का 2 से करेंगे 10, तो जोड़े तो 16 आया, 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 ही आएगा, और 10 और 6 को घटाएंगे तो 4 आएगा, मतलब ये भी हमारा नहीं है। अब अगला स्टेप करते हैं, तीन तीन संख्याओं का करना शुरू करते हैं, तीन तीन संख्याओं का पेयरिंग करते हैं। तो 2 तो नहीं है, 4 4 का 3 से 12,
और पांच को अकेला, तो 12 5 हो गया काम अपना, तो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। 12 को 5 से, 5 को 12 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया, यही चीज होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए यहां पे 7 का मान जो आ रहा है प्लस में आ रहा है, अगर 7 का मान माइनस में आ रहा होता तो हम कैसे इसको लिखते, 5 माइनस 12, लेकिन वहां प्लस में आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, 12 माइनस 5। चलिए वापस आ जाते हैं अपने घर पे, सब कुछ उसी तरह लिखेंगे, 7 के ऊपर ब्रैकेट दे देंगे। जब आप लोग थोड़ा सीख जाइएगा, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये आपको ये स्टेप हटा दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस अभी आपको समझाने के लिए कि 7 को ब्रैकेट ओपन करना है, जिससे आप लोग को समझ में आए कैसे करना है। आगे आप लोग जब करिएगा तो अपने हिसाब से सीधे सीधे उसको कर लीजिएगा। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की जगह हम लिख सकते हैं 12 माइनस 5 एक्स माइनस 3 रूट 5 बराबर 0, हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दें। इसके बाद रिश्तेदारी बनाई जाए इसका इससे, देखिए ध्यान दीजिए यहां पर जो रिश्तेदारी बनाएंगे आप इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट इसको फॉलो करेंगे तो आसान रहेगा चीज करना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें केवल एक चीज कॉमन आ रहा है, एक्स और 4, तो हम 4 एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बच्चा रूट 5 एक्स और यहां क्या बच्चा 3, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखते हैं, यहां पे तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, क्या रहा है, आ रहा है देखिए अगर हम 5 को लिखना चाहे, हम कोई संख्या ले 5, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 5 और रूट 5 दो बार लिख सकते हैं, तो देखिए यहां पे रूट 5 है तो यहां पे भी तो 2 रूट 5 है, तो हमने यहां पे क्या कॉमन लिया रूट 5, बोलो ले लेंगे, ले लिया, क्या बचा यहां पे रूट 5 एक्स, देखिए माइनस भी दोनों में था तो माइनस भी हमने कॉमन ले लिया रूट 5 एक्स और यहां क्या बचा रूट 5 तो चला गया तो बचा यहां पे 3 बराबर 0, बोलो हो गया, हो गया भैया क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इस पूरे ब्रैकेट को एक बार फिर से ले लेंगे रूट 5 एक्स प्लस 3 4x माइनस 5 4x माइनस रूट 5 बराबर 0, फिर से वही और क्लियर मान निकालना है, इधर आ गए 5x प्लस 3 बराबर 0, ये इधर आया माइनस 3 ठीक, दूसरे वाले को देखेंगे इधर आया रूट 5 ठीक है, तो ये दो के दोनों हमारे क्या थे हल आ गए ठीक है। तो ये जो हम यहां पे कर रहे थे वो हम कर रहे थे द्विघाती समीकरण का हल गुणनखंड विधि द्वारा, आज हम लोग यहीं पे फिर आराम करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ग विधि की बात करेंगे, आज के लिए थैंक यू।